रही हैं वो जो साबित करना चाहती हैं कि संगीत की कोई सीमा भी नहीं होती। भारतीय संगीत की धरोहर को सात समुंदर पार वाले भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्या करें, क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके सामने आई। आपके फॉर्म में लिखा है कि आप यूएई से हैं। मैं यूएई से ही आई हूँ। तो आपकी हिंदी तो बहुत ही अच्छी है। मुझे माता श्री बोल के बुलाती है। तो पापा जी को पिताश्री बुलाती हूँ। सो क्यूट। मैं कौन हुई? मैं आपको गुरु माँ बुलाऊंगी। सबको प्रणाम। प्रणाम। गुरु माँ की तरफ से भी हमारी वैष्णवी को प्रणाम। प्रणाम गुरु माँ। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर से यहाँ पर आई। आहा, क्या बात है। शिक्षा किसने दी आपको? अरुणिता दीदी ने दी। अरुणिता दीदी ने। जब भी नीचे की तरफ कहीं पे भी आप प्रैक्टिस स्टैंडिंग नोट की करते हो ना, कोशिश करना कि हिले ना, वो स्ट्रेट रखने की कोशिश करना। मैम वैष्णवी बहुत मंजी हुई कलाकार बोलते हैं ना, एकदम सुर में, और मुझे ज़्यादा सच कहूँ तो उसको उतनी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। वो पहला ही लाइन जो उसने गाया उसमें ही मैं ऐसी हो गई कि वाह कितना अच्छा गा रही है। बस स्टेज में हमारे इतने लेजेंड्स म्यूजिशियंस के साथ बस वो कॉन्फिडेंटली गा दे, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। चलिए फिर आपकी मीठी सी आवाज़ में सुनते हैं गाना। ओके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.